दोस्तों कई बार हम थोड़ा सा काम करते हैं और हम थक जाते हैं, या फिर हम थोड़ा बहुत चलते हैं तो भी थक जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा शरीर अंदरूनी रूप से काफ़ी कमज़ोर होता है, शरीर में स्टेमिना की कमी होती है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए हमें अपने आहारों में बदलाव करना होता है, कुछ ऐसे आहारों को शामिल करना होता है जो कि हमारे शरीर को अंदरूनी ताकत दे, अंदरूनी स्टेमिना बढ़ाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किन चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में स्टेमिना को बढ़ाती है, ताकत को बढ़ाती है। दोस्तों यदि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और चुकंदर के जूस का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में जो कमजोरी होती है दूर जाती है, साथ ही आपकी ताकत करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। आप अपनी डाइट में दोस्तों अगर विटामिन सी को शामिल करते हैं तो भी आपके शरीर की ताकत बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। विटामिन सी को पर्याप्त मात्रा में लेने के लिए आप अंगूर जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। अगर आप मूंग की दाल का भी सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में ताकत को बढ़ाती है, स्टेमिना को बढ़ाती है। खासकर उसे स्प्राउट कर बनाया गया हो या फिर उबाल कर सेवन किया गया हो तो ये ज्यादा लाभकारी होती है। विटामिन सी की ही तरह अगर आप विटामिन बी का भी सेवन करते हैं तो भी ये आपके शरीर में ताकत को बढ़ाती है, स्टेमिना को बढ़ाती है। अनाज खाने से भी दोस्तों स्टेमिना बढ़ता है। अगर आप गेहूं की रोटी, गेहूं से बनी चीजों का सेवन करते हैं, भोजन में शामिल करते हैं तो भी आपका स्टेमिना बढ़ता है, यानी कि अनाज खाते हैं तो भी लाभ होता है। ओटमील का भी अगर आप सेवन करते हैं तो भी ये आपके शरीर में स्टेमिना को बढ़ाती है, ताकत को बढ़ाती है। फलों से बने स्नैक्स या फिर उनका जूस का सेवन करते हैं तो भी ये चीजें आपका स्टेमिना बढ़ाती है। तो दोस्तों अगर आप अपने शरीर में ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें और नियमित एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से जो आपके थकने की समस्या है, थोड़ा बहुत कुछ भी करते हैं और थक जाते हैं तो ये समस्या दोस्तों दूर हो जाती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।